गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नौवीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में कत्वा प्रत्यय बताने जा रहा हूँ। कत्वा प्रत्यय है संस्कृत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है, जैसे राम भोजनम कृत्वा गमिष्यति, राम भोजन करके जाएगा। तो कृत्वा में यहाँ कृ धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगा करके कृत्वा शब्द बना हुआ है और कृत्वा का अर्थ होता है करके। यहाँ दे रहा है कि राम भोजनम कृत्वा गमिष्यति, राम भोजन करके जाएगा। यहाँ करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर उसका क हलंत का लोप हो जाता है और उसमें त्वा बच जाता है, शेष रह जाता है जो उसे धातु के साथ लगता है। इसके कुछ और उदाहरण हैं जो मैं इसे आप लोगों को बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ धातु है, प्रत्यय है और प्रत्यांत है, प्रत्यांत का अर्थ हुआ प्रत्यय युक्त शब्द और यहाँ उसका अर्थ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अस धातु है, अस धातु का अर्थ होता है होना। इसमें जब हम कत्वा प्रत्यय लगाए हैं तो शब्द बन गया है भूत्वा और अर्थ हुआ है होकर। यहां आप धातु है जिसका अर्थ होता है पाना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया है तो शब्द बना है आप्तवा माने पाकर, इसका अर्थ हुआ पाकर। अब है कृ धातु जिसका अर्थ होता है करना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया है तो कृत्वा शब्द बना है जिसका अर्थ होता है करके। यही कृत्वा जो है कि यहां पर उसका प्रयोग किया गया है कि राम भोजनम कृत्वा गमिष्यति, राम भोजन करके जाएगा। अब है कृ जिसका अर्थ होता है खरीदना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया है तो कृत्वा शब्द बना है जिसका अर्थ होता है खरीद कर। फिर क्रुद्ध धातु है जिसका अर्थ होता है क्रोध करना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया है, प्रत्यांत हुआ है क्रुद्ध्वा और इसका अर्थ है क्रोधित होकर या क्रुद्ध होकर। फिर अगला है गम धातु जिसका अर्थ होता है जाना, इसमें तत्वा प्रत्यय लगाया गया है तो शब्द बना है गत्वा जिसका अर्थ होता है जाकर। फिर घ्रा धातु है जिसका अर्थ होता है सूंघना, इसमें तत्वा प्रत्यय लगाया गया है तो शब्द बना है घ्रात्वा जिसका अर्थ होता है सूंघकर। अब है छिद धातु जिसका अर्थ होता है काटना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया है, शब्द बना है छित्वा और इसका अर्थ हुआ काटकर। फिर है जी धातु जिसका अर्थ होता है जीतना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया गया है तो इसका प्रत्यांत शब्द बना है जीतवा और इसका अर्थ है जीतकर। इस प्रकार कत्वा प्रत्यय आप देखें, इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, इसके कुछ और उदाहरण मैं अगले रोज आप लोगों को लिखाऊंगा।